केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने शनिवार को चारा घोटाले के चौथे मामले में दो अलग अलग धाराओं में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी या अलग अलग। सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चल रहे चारा घोटाले में सजा का ऐलान कर दिया। लालू प्रसाद को भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई और साथ में 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 7 साल की कैद भी सुनाई गई थी और 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। यह दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी तो लालू को 14 साल जेल में बिताने होंगे। अदालत ने 19 मार्च को अपने फैसले में लालू प्रसाद के चौथे चारा घोटाले में दोषी ठहराया था, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया था। रांची में चारा घोटाले में लालू प्रसाद और मिश्रा के खिलाफ 5-5 मामले चल रहे हैं। इस मामले में 31 आरोपी हैं, जिनमें से 19 को दोषी ठहराया गया जबकि 12 को बरी कर दिया गया। लालू को पहले चारा घोटाले में 2013 में दोषी ठहराया गया था और 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 7 साल की सजा हुई है और 30 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। अंडर सेक्शन 120B, रेट बी, सेक्शन 409, 420, 467, 468, 471, 477 IPC और अंडर सेक्शन 32, रेट बी, सेक्शन 31, CD प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में इनको 7 साल की सजा और 30 लाख रुपए जुर्माना हुआ। मतलब टोटल जुर्माना अगर कहा जाए तो 60 लाख रुपए 60 लाख 30 लाख जुर्माना नहीं देने पर 1-1 साल दोनों में ही अतिरिक्त सजा सुनाई गई। माननीय न्यायालय के द्वारा जो कंजू केटले की बात आई है, इसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को 14 साल की सजा जो की है कंजू केटले रहेगा और 14 साल के बाद ही उनको जो सजा है वो 14 साल की माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई।